दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली के वेलकम इलाके में भिड़े दो समुदाय, बच्चों के झगड़े में आपस में भिड़े दो समुदाय। दिल्ली से बड़ी जानकारी, पत्थरबाजी के बाद दंगे की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मामले में अब तक 3 गिरफ्तार, 37 हिरासत में लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली के वेलकम इलाके में दो समुदाय भिड़े हैं, के बीच। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। उज्जवल, वेलकम इलाके में दो समुदाय आपस में भिड़े, क्या कुछ मामला है और पुलिस प्रशासन अभी क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर हम बात करेंगे, जो ये मामला है ये बुधवार रात का है, यानी कल देर रात का है, जहां पर जो पार्क में बच्चे खेल रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार बच्चों का आपस में झगड़ा था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि जो दोनों समुदाय के लोग हैं वो आपस में भिड़ पड़े और इसके बाद जो है पत्थरबाजी का जो मामला है वो सामने आया। देखिए, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के जो है दोनों समुदाय के लोगों को समझाया, जिसके बाद जो माहौल तनावपूर्ण बढ़ता जा रहा था उसको कहीं ना कहीं पुलिस रोकने में जो है सॉल्व करने में कामयाब रही है। हालांकि देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है काफी सख्त रवैया इसके ऊपर अपनाया है और एक्टिव मोड में भी नजर आई है। पुलिस के द्वारा जो है तकरीबन 37 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है और जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसके आधार पर अभी और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और तकरीबन देखिए इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 लोगों के ऊपर दंगों के मामलों के तहत जो है एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्योंकि पुलिस का साफ कहना है, इससे वो ये संदेश देना चाहते हैं, अगर कोई भी समुदाय के लोग इस तरीके से दिल्ली में उपद्रव फैलाएंगे तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यही देखिए, जो दिल्ली पुलिस के उपायुक्त राकेश अस्थाना जब जहांगीरपुरी में जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली में चाहे कुछ भी हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। और तो ये देखना होगा जो स्थिति है उसे किस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वेलकम इलाके में दो समुदाय के बीच जिस तरह से टकराव की स्थिति आई है, इससे और जो स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सुनिश्चित कर रहा है। चलिए उज्जवल कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।